हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो मेजर गौरव आर्या का है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है पीएम उनके इमरान खान के, उन्होंने मेजर गौरव आर्या पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए और उनको आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो मेजर गौरव आर्या ने उनको ही एक्सपोज करके रख दिया है। तो वीडियो का टाइटल भी वही है, मेजर गौरव आर्या एक्सपोज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एलिगेशन। तो वीडियो पे जाने से पहले दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करिए और साथ में हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या एंड यू वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज मैं फिर आया हूँ आपसे कुछ बातें करने। पता नहीं क्यों जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मामला कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, फिर पाकिस्तान से लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं और सवालात वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं कुछ ख़ास सीरियस बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, हाल ही में हमारे कुछ खुसूसी ख़ास ज़राए हैं जिनसे ये पता लगा है कि पाक फ़ौज एक डॉजियर तैयार कर रही है, यानी कि एक सबूतों का, सो कॉल्ड सबूत का एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही है मेजर गौरव आर्या के खिलाफ। और वो सबूत में जो इनको सबूत समझते हैं ये लोग, यानी कि YouTube के वीडियोस, TV स्टूडियो में कही हुई बातें, ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और जो दुनिया की नंबर वन एजेंसी है ISI, आप ही लोग ये कहते हैं ना नंबर वन एजेंसी है, साहब सबसे बढ़िया, इससे ये सबको पीछे छोड़ देती है ISI। वो ISI जिसको आज तक कुछ पता नहीं चला लेकिन वर्ल्ड की नंबर वन है, हम भी तस्लीम करते हैं नंबर वन है, तो साहब ये जो एजेंसी है वो एक डॉजियर बना रही है। और बिल्कुल खसूसी ज़राए से पता लगा है पाकिस्तान के अंदर कि साहब ये यूनाइटेड नेशंस में देंगे कि मेजर गौरव आर्या है, दहशतगर्दी फैला रहा है, बलूचिस्तान में जो हुआ है उसमें मुलव्वज़ है ये, कराची स्टॉक एक्सचेंज में मुलव्वज़ है, शिया सुन्नी फसादात जो हुए हैं उसमें मुलव्वज़ है, सब कुछ में जो पाकिस्तान में हो रहा है, अगर फसल ख़राब है, नदियों का पानी ऊपर नीचे जा रहा है, मछलियाँ मर रही हैं, सब गौरव आर्या ने ही करवाया है। तो ये डोजियर बना के दे रहे हैं। अब देखिए साहब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डोजियर बनाएं ना बनाएं, ठीक है, आप डोजियर बना लें या आप यूनाइटेड नेशंस में दें उसको, या फिर सुपारको की सैटेलाइट लें उस पर चढ़ें। बाजवा साहब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सीधा अनारकली जाएं और अनारकली से हीरा मंडी जाएं, मुझे तब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कुछ सच जानने की ज़रूरत है और मेरे पाकिस्तानी भाई और बहन, मैं आपको कुछ सच बताऊँगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आपकी फ़ौज, आपका डीप स्टेट, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये शिया सुन्नी फसाद करवाती हैं। आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा वीडियो देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि असली चीज़ है क्या। जो आप कहते हैं ना कि ये हिंदू की साजिश है और ये यहूदी की साजिश है, और कोई साजिश नहीं कर रहा है, आप ही लोग आपस में एक दूसरे का गला उतारते हैं, गला काटते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदू ने साजिश करी। हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि पाकिस्तान में जाके ये सब करे। लेकिन सुनिए, आपके हैंडसम से, जो बड़ा चारवाई है, बड़ा हैंडसम है माशाल्लाह, चेहरे पे नूर है उसका, ज़रा देखिए वो क्या कह रहा है, वीडियो देखिए फिर वापस मिलते हैं आपसे। जो भी मारता है वो दहशत गर्द है, लेकिन बात ये है काशिफ कि ये हम पहुँचे कैसे। हम पहुँचे ऐसे कि हमने खुद पहले पाले, जिनको आज हम दहशत गर्द कह रहे हैं उनको हम जहादी कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया हमने, सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई साल पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या? कहते जी हमें इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में और जब चाहती है। मैं हैरान रह गया। किसने कहा आपको? ये सिपा साहबा के लोग थे, और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, एक TV एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बिठाया बीच में, और मैं उनकी और शिया की करवा दूँ। तो मुझे तब
तब से ये खैर काफ़ी सालों के बाद, बात यह है कि काशिफ इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है। खुद ही पहले हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पैसे लेके, पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के ख़िलाफ़, फिर उन्हीं को ही अमेरिकनों से पैसे लेके फिर दहशतगर्द बना दिया। तो ये जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। अब हमारे से बुरे हालात में कौमें रही हैं और निकल गई हैं, यानी ये नहीं कि ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। तो भाई और बहनों, देखा आपने वीडियो, इमरान खान क्या कह रहा है। अब आप देखिए, नीचे कमेंट्स के सेक्शन में जाइए और कमेंट्स के सेक्शन में आप लिखिए कि साहब मेजर गौरव आर्या झूठ बोल रहा है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलिए कोई बात नहीं, पर तो काफिर है, झूठा तो होगा ही कम से कम। और अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है तो फिर आपको ये सोचना है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ आपके कोर्ट्स को कोई करप्शन का चार्ज प्रूव नहीं कर पाए आपकी कोर्ट्स, तो बोला कि सादिक और अमीन नहीं है, यही इल्ज़ाम लगाया था आपने कि सादिक और अमीन नहीं है, तो झूठ तो ये भी बोल रहा है। फिर अगर आप कहते हैं इमरान खान झूठ बोल रहा है वीडियो देखने के बाद, तो इसका मतलब ये भी सादिक और अमीन नहीं, और अगर सादिक और अमीन नहीं है तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ये वज़ीर आज़म कैसे है। अब देखिए, ये जो मलबा है ना, पूरा मवाद है, इसकी तारीख है, इसकी एक सोच है, ख़ास तौर से एक ख़ास ज़हनियत है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, होता ये है कि आपका पूरा मुल्क झूठ पे बना, इसलिए सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना आप लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया था। अब देखिए, छोटा सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने पैसे खाए, वो करप्ट है, ठीक है, उसने पैसे खाए लोगों के और उसने पापा जॉन की आउटलेट बनाई कई सारी, ये मैंने बोला था। इसका वीडियो रिलीज़ हुआ तो आपने वो जो नूरानी है बेचारे, नूरानी के पीछे पड़ गए राशन पानी लेके सारे पाकिस्तानी कि यह गद्दार है कौम का, इसको टांगो, मेजर गौरव आर्या के ऊपर केस करो, केस करे भी होंगे पाकिस्तान में, किसको फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब आप लोगों ने बोला कि झूठ है और हमारा जनरल बहुत साफ पाक है। फिर पता लगता है कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उनके स्टाफ ऑफिसर थे, जो उनके एडवाइज़र थे मीडिया के। अगर एक बात बताइए, अगर वो चोर नहीं है आसिम सलीम बाजवा, तो आसिम सलीम बाजवा ने रिज़ाइन क्यों करा, किस बेस पे रिज़ाइन करा, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किस बेस पे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करा। अब जाके पूछिए, अगर आप साफ हैं, अगर आप सादिक और अमीन हैं, अगर आप बिल्कुल पाक हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आपने किसी गरीब का पैसा नहीं खाया, तो आपने रिज़ाइन क्यों करा। आप बोलते हैं मेजर झूठा है, ये जो इंडियन एजेंट है, ये जो मेजर है, ये झूठा है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल में आपको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर आप लोगों ने बोला कि साहब ये जो हमने वीडियो निकाला है, जो हाल ही में वीडियो था जिसमें कि हमने बात करी थी कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ये लोग हैं, ये इनके मोबाइल नंबर हैं, ये इनके बैंक अकाउंट नंबर हैं, ये फलाना ढंका, पूरा हमने बोला कि ये पाकिस्तान से, साहब बड़े आवाज़ें आईं पाकिस्तान से कि ये मेजर झूठ बोलता है, ये है वो है, इंडिया का साजिश है। एक तो गरीब के साथ कोई क्यों साजिश करेगा, आप बताइए। हिंदी में सहानुभूति कहते हैं, एक वर्ड है सहानुभूति, राइट। हमें आपके लिए सहानुभूति हो सकती है, हम साजिश क्यों करेंगे आपके, आपके पास है क्या, जेब आपकी फटी है, सड़कें आपकी टूटी हैं, आपके पास है क्या जो हम आपके साथ साजिश करेंगे, सही बात, आप साजिश करेंगे, आप क्यों नहीं करते साजिश, क्योंकि साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए, आपके बस की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आपसे कि आप लोग जो कहते हैं ना कि ये मेजर ने झूठ बोला, और हमारे ऐसे कोई भी टेररिस्ट पाकिस्तान में नहीं है, यही बोला था ना आपने सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी ने मेरे पॉइंट्स को, जो मैंने बातें कही थी, किसी ने काउंटर नहीं करा, किसी ने ये नहीं बोला कि साहब मेजर साहब आपने गलत इसका फ़ोन नंबर दिया है, ये इसका फ़ोन नंबर नहीं है। आपने ये कभी नहीं बोला कि मेजर साहब ये इसका पासपोर्ट नंबर नहीं है, ये इसका CNIC नंबर नहीं है, आपने ऐसा नहीं बोला। बस बुरा है, अच्छा है, ऐसा है, साजिश है, यहूदी है, हिंदू है, बस ये। इसीलिए दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती, इसीलिए अभी ये पॉइंट उठकर आया है FATF की एक एफिलिएट बॉडी ने, ये बोला है कि 41 या 42 आपको पैमाने दिए थे, 41 या 42,
जिसमें आपको खड़ा उतरना था, आपने सिर्फ दो पैमानों पे कंप्लाई करा है, पता है आपको, दो पैमानों पे आउट ऑफ 41 या 42, अब आप समझ लीजिए, आपने 5% भी कंप्लाई नहीं करा। फिर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, क्यों? क्योंकि एक अकेला ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वाह, ये आप जिसको इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं, ये क्या है? ये बम हज पे गया था, इसने नमाज पढ़ी थी, इस्लामिक बॉम्ब कैसे हो गया? ये बॉम्ब तो बॉम्ब होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। आप लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया में इस्लामोफोबिया है, आप लोग हैं जिनकी वजह से, आप लोग ये काम करते हैं ना, फ्रांस में जाके चार लोगों को चाकू मारा, आपसे मेरा मतलब है जो पाकिस्तानी है। एक आता केस कभी आ जाता है किसी अरब का, आपने सुना है कभी किसी ने यूरोप में जाइए, सारे के सारे पाकिस्तानी करते हैं, पूरा आलम इस्लाम के ठेकेदार बन चुके हैं और आप ठीक से खुद मुसलमान नहीं बन पाए, फिर आप ये कहते हैं कि साहब साजिश करी है। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं हम शिया सुन्नी फसादात के मामले में। तो आप लोगों ने और आपकी फ़ौज ने बोला कि साहब ये मेजर गौरावारिया है जो शिया सुन्नी फसाद करवा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैं एक मुलाजिम हूँ, मैं काम करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में और वीडियोज़ बनाता हूँ अपने फ्री टाइम में, अभी शाम का वक्त है तो आपसे खिताब कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, वो कहता है कि आपकी फ़ौज करवा रही है शिया सुन्नी। मैंने तो यही बोला ना कि पाकिस्तान में इंडिया को करवाना चाहिए। तो अब आप बताइए बदमाश कौन है, शैतान कौन है, जो कहे या जो करे? सोचिए, आपका वज़ीर आज़म ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी शियाओं को मरवा रही है, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। लेकिन आप इतने अंधे हैं हिंदू से नफरत में, आप इतने ज़्यादा अंधे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने सामने इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी डीप स्टेट, पाकिस्तानी एजेंसी जो आपकी नंबर वन वर्ल्ड की है माशाल्लाह ऐसा, वो शियाओं को मरवा रही है, सिपाही सभा का नाम ले रहा है, तब आप नहीं बोल रहे। अब देखिए साहब, जो आपका सादिक और अमीन है प्राइम मिनिस्टर, तो एक बोरी आटे की तकरीबन 1500 रुपए की मिल रही पाकिस्तान में, और जब वो नवाज शरीफ, जो चोर और डाकू नवाज शरीफ था, तो साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब ऐसी 600-700 रुपए की बोरी मिल रही थी, तो वो तो चोर हो गया ना नवाज शरीफ, क्योंकि वो 600-700 रुपए की बोरी दिलवा रहा था आटे की। ये सादिक और अमीन है, ये दिलवा रहा है आपकी 1400-1500 रुपए की। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बोलूँगा कि झूठ बोल रहा है। माल सस्ता हुआ है, बच्चों के लिए दूध सस्ता हुआ है, सब्जियां सस्ती हुई हैं, आटा दाल सब्जी चीनी नमक सस्ता हुआ है, बोलिएगा आप हल्फन बोलिए कि साहब ये सस्ता हुआ है, लिखिए कमेंट्स में, तब मैं आपकी बात मानूंगा। लिखिए, हम देखते हैं आप कितने बड़े सच्चे हैं और अपनी कौम के कितने बड़े और कितने साफ पाक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। तो बहरहाल, आपने नवाज शरीफ तो खैर चोर था, तो उसने आधे दाम पर बिकवाई, ये भाई जो है ये काम कर रहा है। आप देखिए, मैंने FATF की बात करी, FATF में 41 या 42 पैमाना पे आप लोग दो पे खरे नहीं उतरे। अब आपको अटेंशन डाइवर्ट करना है, यानी कि कौम का जो एक अटेंशन होता है, कौम का जो फोकस है उसको हटाना है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से नाजुक दौर से गुजर रहा है, और कब नहीं गुजरा नाजुक दौर से मुझे नहीं पता, क्योंकि हर समय नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। किसी भी दिन आप देख लीजिएगा, 111 ब्रिगेड है आपकी, बड़ी मशहूर है 111 ब्रिगेड, ख़ास उसका एक काम होता है, किसी भी दिन आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि अब मैडम नूर जहान का वो अमर गीत, वतन के सजीले नौजवान, वो बच जाएगा पाकिस्तान रेडियो पर पीटेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये आपके पैसे डुबा रहे हैं और आगे चल के मज़ीद आपके पैसे ये लोग डुबाएंगे। कैसे? इनके घर, इनके पेट, इनकी तिजोरियाँ, इनके बच्चे, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके प्लाजे, इनकी दुकानें, इनके बिजनेस सब चल रहे हैं, और ये लोग आपके जो जनरल हैं वो इतने अकलमंद हैं, इतने शातिर हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बनाया ऐसे, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहाँ पे पाकिस्तान में कुछ भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेफ हैं। आपके बच्चे भूखे घूमें सवेरे से लेकर रात तक, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ कि क्यों इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इनके सबके घर बाहर हैं मुल्क के, ठीक, इनके मुल्क के बाहर घर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, ये पाकिस्तान से लूट के बाहर
पैसा अपना ले जाते हैं। इनका एक पैर पाकिस्तान में, एक पैर लंदन में, दुबई में, अमेरिका में। अब आप ये सोचिए, जिस दिन पाकिस्तान में आग लगेगी, जनरल साहब आपको अलविदा कहेंगे, शब्बा खैर कहेंगे, गुड नाइट, स्विच ऑफ, दुबई। लड़ना आपको है, तो आप ये समझ लीजिए कि किस दौर से ये आपको ले जा रहे हैं, ले जाते आए हैं। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में लगातार लगातार परेशानियां हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, शिया सुन्नी फसादात की, बलूचिस्तान की, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भुखमरी की और किस्म की परेशानियों की, दुनिया भर से आइसोलेट हो रखा है पाकिस्तान। और ये आपको झूठ बोलते हैं शाह महमूद कुरैशी वगैरह के साहब, हमने ये तीर मार दिए, इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठ बोलते हैं आपको, ये रिपोर्टें झूठ देते हैं। अभी मोईद यूसुफ आपके ऑनरेबल सो कॉल्ड एन एस ए, मोईद यूसुफ क्या कहते हैं, ये आदमी देखिए ना, इतना तगड़ा आदमी है ये, एक तो बच्चा है ये 40 साल का नहीं हुआ, पता नहीं किसने इसको एन एस ए बना दिया, इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, बाहर रहता था ये। मोईद यूसुफ अमेरिकन सिटीजन है, उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है, उसका पासपोर्ट अमेरिकन है, पहली चीज़। वो अमेरिका जो कि यहूदियों और हिंदुओं का दोस्त है और मुसलमानों का दुश्मन है, और सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स आपके मुल्क में करवाई, आपके मुल्क में जो अभी हालात हैं उसमें, ठीक है आपकी फ़ौज अमेरिकनों के हाथों बिकी है, ये बात भी सच है, लेकिन उसमें अमेरिका का भी थोड़ा बहुत हाथ है, जिस मोड़ पे आप अपने आप को देख रहे हैं आज। मोईद यूसुफ जो आपका NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो पूरी खुफिया जानकारी पूरी मुल्क की रखता है, ये USIP का वाइस प्रेसिडेंट था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। ये USIP है क्या दोस्तों? ये USIP जो है, ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट, ख़ासतौर से CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक फंडेड थिंक टैंक है। तो आपका जो नेशनल सिक्योरिटी, आप जाके चेक करिएगा, ठीक है, वरना वही फिर आप मेरे साथ उर्दू अरबी बोलेंगे ना, वाजिबुल कत्ल और काफिर, ये सब अंग्रेज़ी बोलेंगे। आप चेक करिए जो मैं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देखें नीचे कमेंट्स में लिखें कि मेजर आपने झूठ बोला, ये भी सादिक और अमीन है, ये ऐसा नहीं है आप जिसको हल्का समझ रहे हैं। तो ये मोईद यूसुफ जो है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट में रहा है अमेरिका में, वाइस प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ख़ासतौर से CIA का एक फंडेड इंस्टीट्यूट है। वो शख्स जिसने कई साल सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो खुफिया इदारा है अमेरिका का, उससे पैसा लिया, वो पाकिस्तान का NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और आपने एक कल के लौंडे को, जो कि अमेरिका का एजेंट है, आपने उसको खड़ा कर दिया और आपने बोला कि साहब अजीत डोवाल साहब से ये टक्कर लेगा। अरे टक्कर तब लेता जब उसका ईमान साफ होता, तब हम कहते ये बिके हुए आदमी को आपने NSA बना दिया आपने, और ये बिका हुआ आदमी आपको घुमा रहा है। ये सब जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है वो आपके मुल्क से बाहर है, और जो गरीब है, जो लाचार है, जो मुफलिस, वो यहाँ पर बैठा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों जो आपके मुल्क का अशराफिया है, वो पैराशूट पहन के जहाज से कूद गया, जहाज यानी पाकिस्तान, और पैराशूट यानी कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़, पैसा, इनके पासपोर्ट्स, इनके बच्चों के एजुकेशन, इनके बच्चों की शादियाँ जो बाहर हो रखी हैं, ये सब, क्योंकि इनको पाकिस्तान का भरोसा है ही नहीं। देखिए जहाँ तक बात करप्शन की है, क्या भारत में करप्शन है? बिल्कुल है, अभी हाल फिलहाल में कुछ कम हुआ है, लेकिन भारत में करप्शन इसलिए है क्योंकि भारत में पैसा ज़्यादा है आपसे, 10 गुना ज़्यादा पैसा है, तो करप्शन भी कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा ही होगा, अगर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भारत में आप बताइए कौन सा ऐसा NSA है, भारत में कौन सा ऐसा जर्नल है जो बाहर सेटल्ड है? एक आध का नाम दीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आपने एक बार हमें भी पकड़ा। तो ये ज़रा सोचिए कि आपका मुल्क, आपका जो वज़ीर आज़म है, वो कहता है कि सिपाही सभा वाले आए और कैसा आप शियाओं से दोस्ती करवा लीजिए, क्योंकि आपकी एजेंसी वाले पाकिस्तानी फौज कहते रहते शियाओं को मारो, मारते रहते, ठीक है। मोईद यूसुफ पॉइंट नंबर 2, मोईद यूसुफ जो आपका NSA है, अमेरिकन सिटीज़न है, उससे बोलिए अपना पासपोर्ट दिखाएं। वो एक अमेरिकन सिटीज़न है, और एक अमेरिकन सिटीज़न एक अमेरिकन शहरी, जो कि आप जानते हैं कि पूरा अमेरिका यहूदियों ने कंट्रोल कर रखा है, जो यहूदी वो कंट्रोल करते हैं अमेरिका, उनका बैंकिंग सिस्टम वगैरह, तो उनका एक गुर्गा, उनका एक एजेंट, उनका एक ख़ास आदमी आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और इमरान खान को एडवाइज़ करता है, और आपकी फ़ौज को भी पता है। ऐसी बात नहीं कि आपको फ़ौज को नहीं पता भाई, आफ्टर ऑल ISI वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी आप कहते हैं ना, ISI को नहीं पता।
फिर क्या स्टोरी है जरा पूछिए, इसके अंदर जरा जाइए डिटेल में। हम ये बात हम सही बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इनकी भी डिटेल्स सामने लाएं, मोहित यूसुफ साहब की ज़रा डिटेल्स कुछ इनका कच्चा छट्टा। आपको बहुत अच्छा लगा ना, बड़ा मज़ा आया मेरा नंबर आउट करके, अच्छा लगा आपको? चलिए, बैटिंग सबकी आती है, पहले बैटिंग आपने करी, फिर हमने आपके लश्कर जैश वैश सबका हमने नंबर आउट कर, अब हम आपको कुछ सरकार वालों के कुछ प्रोग्राम्स के बाद एक दो महीने के अंदर हम इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में बड़ा आसान है, 20-50 हज़ार किसी को दिए अब, मतलब मुझे तो शर्म आती है, हिंदुस्तान में भुखमरी है, हिंदुस्तान में लोग भूखे हैं, हिंदुस्तान में गरीबी है, लेकिन पैसा लेके कोई हिंदुस्तानी मर रहा होगा वो अपने मुल्क को नहीं बेचेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे जयचंद हैं, यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी करी, धोखा किया, वो हर मुल्क में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है ना वो मर जाएगा लेकिन अपने मुल्क को बेचेगा नहीं, आप उसको कितने भी रुपए दे दीजिए। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी आम सी बात है, मुझे ना बड़ा बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, बड़ी एक अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, और या आपके पास डिटेल कहाँ से आई। आप एक बात बताइए, एक पाकिस्तानी जनरल की डिटेल हमें कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी? अरे पाकिस्तान से आएगी, को पाकिस्तानी को पैसा दो, आप पाकिस्तानियों को पैसा दो, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ओनली फॉर कैश, आपको बस पैसे फेंकने, फिर आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है वो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुका है। हर एक पाकिस्तानी को सिर्फ ये दिखता है कि साहब कोई बात नहीं, मेरे बच्चे खाना खा लें, आज रात को भूखे ना सोएं, कुछ ही करने को तैयार है। हमें बड़ा अफसोस होता है, और जो बड़े ये पाक सरजमीन और ये सब जो गाने वाने गाते हैं ना लंबे चौड़े, वो कौन पाकिस्तानी जिनका पेट भरा हुआ है, जिनका पेट भरा हुआ है? हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। अब सब एक आपके जो मोहित यूसुफ साहब हैं, ऑनरेबल NSA ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया करण थापर, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, द वायर, वायर की टोटल जो व्यूअरशिप है वो डिफेंसिव ऑफेंस की 1/5 भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगा के बैठे, और ये इन्होंने टाई वाई लगाई, और ये जो सस्ता तेरे नाम है, तेरे नाम फिल्म देखी ना सलमान की, वो मोहित यूसुफ सस्ते वाला है तेरे नाम। अब क्या क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि साहब हमारे पास शवाहिद हैं, हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास सब कुछ है कि साहब इंडियन एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है। APS पेशावर 2014 का जो अटैक हुआ था उसमें सब इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है, रॉ वगैरह वगैरह इसमें इन्वॉल्व है, और हम यूनाइटेड नेशंस में जाके देंगे। ये आप लोगों को इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, आप ही से पैसा लेते हैं, आपकी जेब काटते हैं, आपके बच्चों को भूखा रखते हैं, आप ही से झूठ बोलते हैं, कैसे भाई? अगर आप ये मानते हैं कि वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी ISI है, जिसने सबको मज़े चखा दिए साहब, सोवियत यूनियन को घुटने टिकवा दिए और ये करवा दिया वो करवा दिया, लंबी लंबी छोड़ते हैं आप लोग जैसे आपकी रवायत है। अब एक बात बताइए, 6 साल से ISI अंडे दे रही थी कि 6 साल के बाद ISI जागी है, कि APS पेशावर का अटैक किसने करवाया? और ये जो अमेरिका का पासपोर्ट लेके घूम रहा है बंदा, आपका NSA मोहित यूसुफ, सस्ता तेरे नाम, आपको लगता है कि ये इंसान जो है सस्ता तेरे नाम ये बताएगा कि रॉ ने ये कराया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कराया? 6 साल लग गए नंबर वन। अच्छा दूसरी चीज़ ये कहते हैं सब कि अफगानिस्तान में ना थिंक टैंक्स हैं जो कि बलूचिस्तान में पैसा डाल रहे हैं अफगानिस्तान से, ये भी एक इनका एक इल्ज़ाम है, और कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे। ये एक्चुअली इंडिया से भी बेचारे जो इंटरव्यू लेते हैं ना, अभी आ गए इंडियन चैनल पर। आपने कभी सोचा है कि इंडिया का NSA पाकिस्तान के, अब मैं नहीं जाऊँगा कभी, मैं कभी नहीं जाऊँगा, मुझे पाकिस्तानी चैनल से कॉल आते रहते हैं, सर आप पार्ट होइए, आप आइए हमारे चैनल पर, मैं कभी जाऊँगा पाकिस्तानी चैनल। हाँ यूट्यूब में एक दो लोग हैं जो हमारे शोज़ में हिस्सा लेते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स में जाते हैं, वरना पाकिस्तानी TV चैनल्स पर कभी नहीं। आप मेरे लिए अलग से शो करें, मैं तब ना जाऊँ, जब तक मेरी शर्तें पूरी ना हो तब तक मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मेरी शर्तें पूरी ना हो, ठीक है? जिस दिन मेरी शर्त पूरी हो गई मैं पाकिस्तान TV पर भी आऊँगा, लेकिन जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं होंगी मैं नहीं आऊँगा। अब ये भाई साहब आ गए यहाँ पर, और वो भी TV पर नहीं है, वो भी एक यूट्यूब चैनल है और एक मोबाइल फ़ोन ऐप है जिसमें इन्होंने इंटरव्यू किया। अब ये कहते हैं साहब कि अफगानिस्तान में कुछ थिंक टैंक्स हैं जो कि बलूचिस्तान में पैसा डालते हैं। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं कि साहब रॉ के ऊपर हमारे पास प्रूफ है, तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप लोग भी
ये क्या करेंगे कि आप लोगों को पहले एक्साइट कर देंगे, आप लोग बड़े जोश में आ जाएंगे कि हाँ हमारे पास सबूत आ गए, अब तो हम हिंदुस्तान को नीचा दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। फिर ये पता क्या करेंगे, वही आटे की बोरी जो 1500 की मिल रही है उसको 2500 का कर देंगे, फिर आपका दिल टूट जाएगा, फिर आप आटे पर लग जाएंगे है ना, फिर चीनी आपकी 250 रुपये किलो की हो जाएगी, 300 रुपये की हो जाएगी, फिर आप उसमें लग जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि इन्होंने ये बोला था कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान पैसा आता है। ये यही करते हैं आपके साथ, खेलते हैं आपके साथ। अब एक बात बताइए, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का तो बॉर्डर लगा हुआ है राइट, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का कॉमन बॉर्डर है। अब आप एक बात सोचिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया पैसे भिजवाता है बलूचिस्तान, सोचिए एक बात, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान पाकिस्तान का बैकयार्ड है, पाकिस्तान तो यही कहता है। कितने जनरल हैं जो ऊपर के 4 बटन खोल के बिल्कुल सामने कहते हैं कि हमारे मुजाहिद हमारे गाजी वो थे जिन्होंने सोवियत रशिया के घुटने तोड़ दिए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसको टुकड़े टुकड़े करवा दिए, कहते हैं ना लोग, सब कहते हैं आपके जनरल्स। तो भाई आप लोग तो इतने बड़े तीसमार खान हैं, आपका बैकयार्ड है अफगानिस्तान, वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी ISI है, अफगान तालिबान आपके भाई हैं भाई, जो कंट्रोल करते हैं अपने पूरे अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान कंट्रोल करते हैं, वो आपके भाई हैं, आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में मुसलमान हैं। फिर इंडिया जिसका अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है, ये भी आपकी शिकायत है ना कि इंडिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्यों बोलता है, उसका तो बॉर्डर ही नहीं है। फिर आप एक बात बताइए, फिर कैसे हो गया कि इंडिया की एजेंसीज अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके, वो अफगानिस्तान जो आपका बैकयार्ड है, उस तालिबान का इलाका जो तालिबान आपके दोस्त हैं आपके हम मज़हब हैं, वो तालिबान की नाक के नीचे से और वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जिसको आप नंबर वन बोलते हैं, ये पता नहीं कौन सा IAS का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ था जिसमें नंबर वन ISI आई थी और बाकी सब नंबर 10 आए थे, पता नहीं ये पाकिस्तान में ही हुआ एग्ज़ाम, ये कैसे आपके नाक के नीचे से हो रहा है सर, सोचिए सर, ये झूठ है कि नहीं इतना बड़ा कि हमारे पास सबूत हैं, सर सबूत हैं तो उसका क्या कढ़ाई चिकन बना रहे हो, उसका सबूत है तुम्हारे पास, सबूत हैं तो लाओ सबके सामने, एक्सपोज करो इंडिया को, मैंने तो बोल रखा है 10 बार मैंने बोला है, तभी आप लोग जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जलील होकर आते हैं। आप लोग सिर्फ क्रिकेट के मैदान में जलील नहीं होते, अगर आप सोचते हैं आपकी जलालत सिर्फ क्रिकेट के मैदान और वर्ल्ड कप तक सीमित है, ऐसा नहीं है, आप हर मोड़ पे जलील होते हैं, हर मोड़ पे। अब दोस्तों आप मेरी बात अभी तक समझ गए होंगे कि ये आपकी नाक के नीचे, आपकी सो कॉल्ड वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी ISI की नाक के नीचे आप ये लोग कह रहे हैं, और आपका NSA है, मैं नहीं कह रहा ये बात, आपका मोहित यूसुफ जो आपका NSA है ठीक है, वो ये कह रहा है एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि भाई साहब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करा, इसका मतलब, और ये इंडिया पैसे भेज रहा है बलूचिस्तान में, अफगान तालिबान आपका, वो आपके हम मज़हब, वो भी सुन्नी, आप भी लार्जली सुन्नी, ज़्यादातर सुन्नी हम, आपका बॉर्डर मिलता है, सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ आपके हक में है, और इंडिया ये कर पा रहा है। तो एक बात बताइए, फिर भी क्या आप ये कहेंगे कि ISI नंबर वन है, क्या आप मानेंगे ISI नंबर वन है, या फिर हमारी एजेंसी नंबर वन है, आप बोलिए जल्दी से, नंबर वन कौन है भाई, ISI है कि रॉ है, मुझे तो नहीं लगता ISI है, और अगर आपको लगता है हमारी एजेंसी नंबर वन है तो 3 बार बोलिए कबूल है कबूल है, अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है, मजाक कर रहा था, बोलना मत शुरू कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एहसानुल्लाह एहसान, आप जानते हैं एहसानुल्लाह एहसान कौन है, किस दिन बन जाएगा वजीर, वजीर आपके यहाँ ऐसे ही बनते हैं आपके यहाँ लकड़बग्गे वजीर। तो एहसानुल्लाह एहसान जो है उसने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हाँ जो APS पेशावर का वाक़या हुआ जिसमें वो मासूम बच्चे मारे गए, 130 से ज़्यादा मासूम बच्चे मारे गए, वो एहसानुल्लाह एहसान ने किया है, वो उसने खुद कबूल करा ठीक है, वो आपका आदमी जिसको आपने पहले पेशावर के सेफ हाउस में रखा, फिर आपने इस्लामाबाद के सेफ हाउस में रखा, आपकी ISI ने फिर उसको गायब कर दिया, आजकल कहाँ है आप बताइए, आप पाकिस्तान में, आपको पता होगा बेहतर, उसको कहाँ गायब कर दिया, वो आपका आदमी खुद कह रहा है कि मैंने करा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मैंने करा, वो कह रहा है कि हाँ मैंने करा, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में, अब जाइए, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, और एक बंदा आपका प्राइम मिनिस्टर
ये कहता है कि हाँ ये किया, और आपको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता लग रहा, क्योंकि आपको इतना हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड आपके जहन में डाल रखा है कि आपको सच और झूठ के बीच में फ़र्क पता लगना बहुत पहले बंद हो गया था। अब आपको आइडिया ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या, सब साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो कहाँ है एहसानुल्लाह एहसान, पूछिए, जो आपके बड़े हैं, जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके कायदीन हैं पाकिस्तान में, ज़रा उनसे पूछिए कहाँ है एहसानुल्लाह एहसान, कहाँ छुपा के रखा है, उसको क्यों छुपा के रखा है, आपकी कस्टडी में था, आपकी ISI की कस्टडी में था एहसानुल्लाह एहसान, वो बंदा जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको पकड़ा गया। अब सब मोहित यूसुफ ने एक और बात बोली उस इंटरव्यू में कि असलम अच्छू जो है, जो BLA का कमांडर है, उसका दिल्ली के अस्पताल में इलाज हुआ और इनके पास रसीदें हैं, यानी कि मोहित यूसुफ के पास उनकी रसीदें हैं, ये उन्होंने बोला। देखिए, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक कमांडर है असलम अच्छू, उसको इंडिया की एजेंसी लाई दिल्ली में, और कहीं नहीं ले गई, दिल्ली में ले गई। अगर पैसा ही खर्च करना था तो उसका इलाज दुबई में हो सकता, दुनिया में कहीं पे भी हो सकता था इलाज, पैसा ही तो चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप चांद पे इलाज करवा सकते हैं, इंडिया क्या चीज़ है। लेकिन चलिए, बहरहाल उसका इलाज हुआ सब ठीक है दिल्ली में, और इनके पास रसीदें हैं। ये वो लोग हैं मोहित यूसुफ जिनको आसिम सलीम बाजवा की रसीदें नहीं मिली, उसका इस्तीफ़ा आ गया, उसकी रसीदें नहीं मिली, इनको असलम अच्छू की इनके पास रसीदें हैं। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग बुरा मत, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान है, आप लोग बहुत मासूम लोग हैं, दो मिनट में बेवकूफ़ बन जाते हैं। आपको मज़हब का हवाला दे दो, आपके मौलवी आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं मज़हब का हवाला दे के। कौम नाजुक दौर से गुजर रही है, ये कह के आपके जर्नैल आपका बेवकूफ़ बना लेते हैं, और फिर कोई आप लोग फर्जी ऐसे ही मनगढ़ंत बैठ के अपने कमरे में कुछ आप सर्वे करवा लेते हैं। एक ऐसे ही सर्वे आया है जिसमें ये बोला कि साहब ISI नंबर वन है, ये ISI की असली औकात है, ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ दहशतगर्दों को पैसा दे के बम धमाके करवा सकती है, इसके अलावा ISI ने आज तक कुछ भी नहीं करा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने दिखा दी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, और जैसे ही कुछ खुलासे मेजर गौरव आर्य ने पहले किए थे, उसके बाद पाकिस्तान में शिया और सुन्नी का फसाद हो गया, और बलूचिस्तान के बारे में भी मेजर गौरव आर्य ने कुछ वीडियो बनाए थे, उसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी, और पर मेजर आर्य जो भी बात करते फैक्ट्स पे करते, उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनको कहा कि यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट नहीं रहता। बाकायदा मेजर आर्य ने एक घंटे का वीडियो बना के सबके पासपोर्ट नंबर और वहाँ के जो भी उनके वोटिंग आधार कार्ड टाइप हुए हैं उसके नंबर, और कई के तो फ़ोन नंबर भी दे दिए। अब इतने सबूत देते हैं गौरव आर्य, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में उनके ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी भी होती है, बहुत उनको उनके बारे में बातें भी की जाती है। अब इस वीडियो की बात करते हैं, इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य जो जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो वहाँ का सिक्योरिटी एडवाइज़र है, NSA है, और वो अमेरिकन सिटीज़न है। आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान का निवासी ही नहीं है, पाकिस्तान का रहने वाला ही नहीं है, बस उसके कोई पूर्वज पाकिस्तानी होंगे इस वजह से वो पाकिस्तानी है, बाकी उसके सिटीजनशिप है वो अमेरिकन है, और वो उस अमेरिकन संस्था में काम करता है जिसको CIA हैंडल करती है। CIA अमेरिका की इंटेलिजेंट एजेंसी है, और वो बंदा पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मतलब जितनी भी ISI और बाकी पाकिस्तानी एजेंसी होंगी उसके सारे राज उसको पता है। तो इतने इंटेलिजेंट है पाकिस्तानी। और मेजर गौरव आर्य की बात करें, वो जो भी कहते हैं और जिस तरीके से कहते हैं उसके बाद पाकिस्तान में हंगामा मचना तय होता है। उन्होंने पापा जॉन की बात की और पापा जॉन का पूरा एक्सपोज कर दिया पापा जॉन को, उसके वजह से आसिम सलीम बाजवा जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल है उनको रिज़ाइन देना पड़ा, और बहुत पाकिस्तानी उन्हें डिनाई किया इस बात को, पर वो उस तरीके से बाहर आ गई। ये सारे बातें पाकिस्तान वालों को पता होती है, पाकिस्तान के लोगों को भी पता होती है, पर ISI के डर से या पाकिस्तानी फौज के डर से वो कुछ बोल नहीं पाते। जिस जो भी कोई अगेंस्ट बोलता है पाकिस्तान के आर्मी के, सच भी हो उसके बाद 100% सच होगी, फिर भी उसको गद्दार कहा जाएगा, उसको रॉ का एजेंट कहा जाएगा,
क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलता है। भाई जो गलत है, अगर वो आदमी किसी गलत को गलत कहता है तो आप लोगों ने उसका साथ देना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी की हिम्मत बढ़ती है कि किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी वो गिरा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि जो इस वक्त पीएम है इमरान खान, वो खुद मान रहा है कि आर्मी करवाती है, सिया सुन्नी फसाद जो दंगे होते हैं वो आर्मी करवाती है। तो आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रियासत पुदीना का हेड कह रहा है कि आर्मी करवाती है, तो इससे ज़्यादा आपको सबूत क्या चाहिए? फिर भी आप घुमा फिरा के वही बात करेंगे। तो जो मेजर आर्या ने कही कि हिंदू की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया हमको तस्लीम नहीं करता, भाई तस्लीम नहीं करता तो आप तक आप इस नक्शे पे नहीं होते, कब का आपके ऊपर फिर से कब्जा हो जाता है इंडिया का, आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना शेयर भी कीजिए। जय हिंद।